हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ब्लॉग भी है और इन्फॉर्मेशन भी है। मैं आप सबको बता रहा हूँ, मेरे पास लर्न लाइसेंस था। मैंने 6 मंथ पहले अप्लाई किया था और मेरे को परमानेंट लाइसेंस बनवाना है। तो आपको बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, कहाँ आना है, अपने अपॉइंटमेंट लिया है तो यहाँ पर आके वेट करना है, कितना टाइम लगेगा, तो बता दूँ। पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूँ कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो आपने जो स्लॉट बुक किया होगा उसका प्रिंट आउट ले लेना। ये आपको सब कुछ आपको परिवहन के वेबसाइट पे मिल जाएगा और मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जा सकते हो। ऊपर से अपना लर्न लाइसेंस का एक फ़ोटो कापी, आपने जो फीस कटवाई है 200 रुपये की फ़ी कटती है वो ले लेना, और प्लस में आप एक अपना लाइसेंस की फ़ोटो कापी करवा लेना, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी करवा लेना, और फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 का जितने भी आपको प्रिंट आउट उसमें दिखेंगे सबको आपके प्रिंट आउट निकलवाने हैं, और ये सब आपको चाहिए होगा यहाँ पे। तो आप ये सब लेके आना, और बाकी मैं तो पहुँच गया हूँ, वेट कर रहा हूँ। और मैंने स्लॉट बुक किया था जो था 9:30 से 10:30 का, तो मुझे लगा कि उसी टाइम पे आएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इस चक्कर में गाड़ी बहुत तेज चलाई, मैं सोचा कि मुझे उस स्लॉट के बाद नहीं मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आने के बाद आप लेट भी हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे निकलते हैं, यहाँ पर देखते हैं लोकेशन, आप सबको भी दिखाता हूँ कहाँ पे हमारा ट्रायल होगा। बाकी आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना, मैं तो लेके आया हूँ। तो मैं ये स्विफ्ट से आया हूँ ट्रायल देने के लिए, और एक चीज़ का ध्यान देना, आपको जो ये एल है ये ज़रूर लगा के आना, नहीं तो आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने कितना भी अच्छा ट्रायल दिया हो आगे भी लगवाना है, और प्लस ये पीछे भी आपको लगवाना पड़ेगा। ये लोकेशन सराय काले खां का है, यहीं पर होगा ट्रायल। ये बाइक वाले हैं सारे, और ये साइड कार वाले सब लाइन में लगा रखे हैं, सबका ट्रायल है। तो मैंने ट्रायल दे दिया, अब मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी पे। उन्होंने बोला कि आप जाइए पार्किंग में वेट कीजिए 20 मिनट का, और 20 मिनट में आपको रिजल्ट बताएंगे, और सब पार्किंग में वेट कर रहे हैं, मैं नहीं इकलौता। और बाकी 20 मिनट के बाद बताएंगे कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है। मेरे आगे वाले तो 2 पार्किंग बैक करते ही टाइम ही फेल हो गए, मैंने तो एक बार में बैक कर दिया। रिवर्स करना होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ का, अगर जो आपको रिवर्स करना आता है गाड़ी को तो आप रिवर्स करके पास हो सकते हो। रिवर्स और पार्किंग में ही प्रॉब्लम है, और जिसको ये चीज़ आता है वो पास हो जाएगा। बाकी वेट करते हैं, मैंने यहाँ पर बात भी किया था इन्फॉर्मेशन देने वाले से, वो आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे, मतलब कि कहाँ पर आपको गाड़ी पार्किंग करनी है, कहाँ से रिवर्स करनी है, कौन से रेड लाइट पे रुकना है, रेड लाइट जंप नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही बता देंगे, लोकेशन दिखा देंगे कहाँ से। गाड़ी में वेट करते करते हुए 10 मिनट हो गया है, तो मैं अब यहाँ पे करता हूँ अपनी गाड़ी को ऑफ। मैं तो एसी में एसी चालू करके रहा था, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है, तो हम अपनी गाड़ी से निकलते हैं। यहाँ पे बगल में ऑफिस टाइप का है, वहाँ पे चल के वेट करते हैं, वहाँ पे एसी लगा हुआ है। अपनी गाड़ी से गाड़ी कर दे लो, अब यहाँ से हम चलते हैं। पार्किंग लगा के यहाँ पे वेट भी कर सकते हो, ये रहा। और आप सबको बताना, ये रहे बाइक वाले जो इस साइड पे ट्रायल दे रहे हैं, और कार वाले यहाँ पे इस जगह पे, वो देखिए गाड़ी बैक हो रही है। इसी जगह पे सबको प्रॉब्लम होती है गाड़ी बैक करने में। आपको 3 मूव्स मिलते हैं, आगे आप गाड़ी बैक करते टाइम 3 टाइम आप गाड़ी को आगे कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे रेड लाइट का ख्याल रखिए, जो रेड लाइट है इस चीज़ का। चलो अब मिलते हैं रिजल्ट आने के बाद। अपनी गाड़ी ट्रायल हो गया, रिजल्ट भी आ गया, हमें बोल दिया कि पास हो आप। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आकर जो ट्रायल आप देने के लिए आते हो, तो जितनी हो सके छोटी गाड़ी लेके आना, बड़ी गाड़ी मत लेके आना, रिवर्स करने में प्रॉब्लम होती है। मेरे सामने एक फॉर्चूनर वाला था, उसने रिवर्स करने में, उसकी गाड़ी बड़ी थी, इस चक्कर में कॉल में हो गया, वापस चले गए। और यहाँ पे 50% रिजेक्ट ही होते हैं रिवर्स के चक्कर में, तो कोशिश करना रिवर्स आप सीख लो पहले ही, कम से कम जगह पे लकीर बना के, तो यहाँ पे आइए और पास होके ही जाएगा। तो थैंक यू, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ऐसी वीडियो आती रहेगी हमारे चैनल पर, और भी वीडियो जाके देख सकते हो। थैंक यू।